So students of class 10th, welcome back to your own channel, our classroom Let's Learn. And today we are going to discuss the very first topic of our class 10 syllabus, because it's revision time and you must revise all your concepts because your syllabus is almost complete. So let's start with the very first topic, that is fundamental theorem of arithmetic. And according to this theorem, in number theory, here you can see I have written this for you. In number theory, the fundamental theorem of arithmetic, also called the unique factorization theorem, states that every integer greater than 1 is either a prime number itself or can be represented as the product of prime numbers, and this representation is unique up to the order of the factors. So bachon, कहने का मतलब ये है कि नंबर थ्योरी में जो फंडामेंटल थ्योरम है, जो आधारभूत प्रमेय है, वो क्या कहती है कि जो भी कोई भी नंबर है उसका एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, और वन से बड़ा कोई भी नंबर या तो प्राइम नंबर होता है अपने आप, या उसको प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़कर दिखाया जा सकता है, यानी कि उसके गुणनखंड किए जा सकते हैं जो कि प्राइम होते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक होता है अप टू द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स. सो बच्चों, अब हमें देखना है कि इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चंस जो आते हैं इस पर, सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है आपके पेपर में. ऑप्शनल भी अगर आता है तो आधारभूत प्रमेय की स्टेटमेंट ही आपसे पूछ ली जाती है कि टिक कीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो स्टेटमेंट इज हेयर, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है. और इसी पर आधारित और भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं. अब आप देखेंगे इसको, समझेंगे इस थ्योरम को, तो आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पर लिखा है 1200 को मैंने गुणनखंडों के रूप में दिखाया है. तो आप देखते हैं कि जब हम 1200 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5 के रूप में हम दिखा सकते हैं इसको. इसका मतलब क्या हुआ कि 1200 को हम 2 × 4 × 3 × 5 × 2. अब आप जानते हैं कि 2, 3 और 5 तीनों ही प्राइम नंबर हैं, तो 1200 को हमने प्राइम नंबर्स, जिसको हम अभाज्य संख्याएँ कहते हैं, उनके रूप में दिखा दिया है. तो ये जो है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है किसी भी नंबर का. ये आपके लिए आ सकता है कि किसी संख्या को देकर आपको ये कहा जा सकता है कि इसको इसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको इस तरह से व्यक्त करना है. इसी तरह से 140 को मैंने व्यक्त करके दिखाया है, 1200 को मैंने डायरेक्ट व्यक्त किया था, दिखाया था आपको. अब 140 को हमने किस किस तरह से, एक प्रोसेस क्या होती है डिवाइड करने की, वो देख लेते हैं. 140 को हमने पहले 2 से डिवाइड किया, तो जो हमारे पास आया वो था 2 × 70, यू कैन सी. उसके बाद जब हमने इसको फर्दर डिवाइड किया, हमने 70 को डिवाइड करने की कोशिश की, तो 70 को जब हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट जो आता है वो है 2 × 35. अब हम इसको 2, हमारे पास 2 प्राइम नंबर आ चुके हैं, 2 और 2. अब हम 35 को, क्योंकि 35 अभी एक प्राइम नंबर नहीं है, इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5 × 7. अब हम देखते हैं कि 5 और 7 दोनों ही प्राइम नंबर हैं, यानी कि 140 के सभी प्राइम फैक्टर्स हम पा चुके हैं. तो हमारा जो है 140 को प्राइम नंबर्स के रूप में दिखाने का काम सफल हो चुका है. नाउ वी विल राइट देम इन देयर पावर्स. तो 2 raised to the power 2, बिकॉज 2 जो है वो 2 बार आया है, 5 और 7, 5 raised to the power 1 एंड into 7 raised to the power 1. सो दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140. नाउ यू कैन सी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 990 हेयर. 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं. 990 का पहला प्राइम फैक्टर 2 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 495. अब इसको हम 495 बिकॉज प्राइम नंबर नहीं है अभी, तो हम उसको फर्दर डिवाइड करेंगे. तो 495 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 5 × 99. इसी तरह से हम फर्दर डिवाइड करते हैं 99 को, तो हमें मिलता है 11 × 9. नाउ 11 इज़ अ प्राइम नंबर, हम उसको डिवाइड नहीं करेंगे. 9 अभी प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो हमें 3 × 3 प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं. तो ये सभी हमें प्राइम नंबर मिल गए हैं. दिस इज़ हाउ वी गेट आवर प्राइम नंबर्स.
और ये है प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ वी कैन राइट 990 इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. सो इट विल बी 2 raised to the power 1 इंटू 5 raised to the power 1 इंटू 11 raised to the power 1 इंटू 3 raised to the power 2. तो ये हमारा 990 का प्राइम फैक्टराइजेशन है. एक ये क्वेश्चन आपका बन सकता है. अगला जो क्वेश्चन जो बहुत बार आप पेपर में देखते हैं वो जो बनता है वो इस तरह से बनता है. 1092 यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक ट्री के रूप में हमने इन फैक्टर्स को दिखाया है. तो 1092 का फैक्टर हो गए 2 into 456. 456 को फर्दर डिवाइड किया तो 2 into 273. 273 को फर्दर डिवाइड करते हैं तो 3 into 91. 91 को फर्दर डिवाइड करके हमें प्राइम फैक्टर्स. सो नाउ यू कैन सी हेयर आई हैव रिटन अनदर क्वेश्चन. अभी आप इसमें जो चेंज देखेंगे वो चेंज क्या है इस क्वेश्चन में, कि आपको यहाँ पर नंबर्स की जगह एक्स और वाई दिए गए हैं और आपसे क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यूज़ पूछ ली जाती हैं कि फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. इट कैन बी गिवन इन ऑप्शन, इट कैन बी गिवन इन स्टेटमेंट ऑल्सो. तो आपको ये क्वेश्चन किस तरह से करना है. 72 को हम डिवाइड जब करते हैं तो पहला प्राइम फैक्टर मिलता है 2 और अदर जो फैक्टर मिलता है वो है 36. अब 36 को फर्दर डिवाइड कर लीजिए. आप यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि फैक्टर लिखा हुआ है 2, तो 2 से डिवाइड करके देखिए 36 को, तो आपको मिल जाएगा 18. सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 18. एंड नाउ जब आपको y की वैल्यू मिल गई है तो सबसे पहला काम आपने ऊपर से नीचे आते हुए किया कि आपको y की वैल्यू मिल गई है 18. अब जब आपको y की वैल्यू मिल गई है तो आप कर सकते हैं कि y का एक फैक्टर इधर आप देख रहे हैं 9 है, तो x की वैल्यू आपके लिए निकालना बहुत आसान होगा. 9 से 18 को डिवाइड कीजिए एंड यू विल गेट x की वैल्यू एज 2. सो नाउ फर्दर यू डिवाइड 9 एज इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. तो आपको x और y की वैल्यू जो है ऑप्शन में अगर 2 18 लिख कर दिया है तो इट्स करेक्ट. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड इट इज़ रिटन 2 18, इट्स करेक्ट. बट इफ इट इज़ रिटन 18 2, इट्स नॉट करेक्ट. सो दिस इज़ हाउ वी अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स एंड दिस इज़ व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी कम इन योर एग्ज़ाम. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट. वी विल मीट विद अनदर कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर द डे.